सुषमा, मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। चित्रा तो अब इस दुनिया में रही नहीं, अब तुम सुधा को सब कुछ बताकर उसके बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहती हो, या जीजा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके बातों से कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी दीदी का घर उजड़ जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपराध कभी छुपता नहीं है, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है। और जब इन बातों का पता दीदी को चलेगा, भगवान ही आपको बचाए। बुआ, ये तुम क्या कर रही हो? सब छोड़ दो, वरना हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी। अभी तो 1 बज रहा है, आप सब लोगों को खाना खिला कर ही जाऊंगी मैं। एक दिन खाना नहीं लगाओगी तो हम खाना नहीं खाएंगे क्या? और फिर शरद भी तो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए तुम कब खिलाओगी और कब जाओगी? मैंने धीमी आंच पर कढ़ी रखी है, 2 दिन से बच्चिया कह रही कढ़ी बनाने के लिए। हाँ बुआ, हॉस्पिटल हमारा घर नहीं है कि जब मन में आए चले आए, वहाँ कुछ नियम कानून होते हैं ना। हाँ मालूम है, अभी 10 मिनट में बन जाएगी, आप सब लोगों को खिला कर ही जाऊंगी, तब तक प्रोफेसर साहब भी आ जाएंगे। शरद के आने का कोई भरोसा है बुआ? और फिर मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है, और बच्चे कमरे में होमवर्क कर रहे हैं, तुम जाओ। सच कहूं सुधा, मुझे भी अस्पताल जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। उस बच्चे को देखती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे वो रात भर ठीक से तो रहती है? हाँ सोती है, लेकिन जब रोती है ऐसे जोर से रोती है, इतनी बिलखती है। क्यों, नर्स उसे ठीक से दूध नहीं पिलाती है? हाँ पिलाती है ना, लेकिन बोतल के दूध की माँ के दूध से क्या बराबरी। नन्हे से बच्चे तो 2400 घंटे अपनी माँ की छाती से लगे रहते हैं। मुझे तो इस बच्चे की बड़ी दया आती है, सचमुच ऐसे बच्चे बड़े अभागे होते हैं जिनके पैदा होते ही उनके माँ बाप गुजर जाते हैं। मेरे गोपाल को ही ले लो। बुआ, बुआ होनी को कोई टाल सकता है क्या? देखो मौत पर ही इंसान का वश नहीं चलता है, बस वो यही भगवान के आगे हार जाता है। मैं तो भूल ही गई, कड़ी उबल गई होगी। कड़ी को मैं देख लूंगी, तुम जल्दी खाना खाओ और जा। देखो ये अलग किस्म की कड़ी है, तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे देखने दो। अच्छा जल्दी देख लो। हाँ और फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अरे मैं परोस दूंगी ना सुधा। नहीं नहीं हो गया है, तुम जल्दी तैयार होकर आओ और हम सब शरद के साथ खाएंगे।